रेडी प्लेयर वन ये एक साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म है डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पिलबर्ग। अर्नेस्ट क्लाइन की सेम नाम की नॉवेल के ऊपर ये फिल्म आधारित है। रेडी प्लेयर वन के भारत में रिलीज को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। पहले फिल्म 29 मार्च को रिलीज होने वाली थी, बहुत सारे लोगों ने 29 तारीख के शोज के टिकट भी बुक कर लिए थे, लेकिन फिर एन समय पर स्क्रीन्स न मिल पाने के कारण वार्नर ब्रदर्स के द्वारा इसके सभी शोज कैंसिल कर दिए गए। फिर ऐसा लगा कि अगले शुक्रवार को फिल्म रिलीज होगी, लेकिन फिर अगला शुक्रवार आने के बाद भी इस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया। बहुत सारे लोग निराश हो गए थे, लेकिन 9 तारीख सोमवार को अचानक से इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया और ये कल यानी मंगलवार को ये फिल्म मुझे 4DX में देखने को मिली। इस फिल्म की कहानी 2045 के फ्यूचर पर बेस्ड है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग एक स्लम जैसी एरिया में रहने लगते हैं। आज तक हमने फिल्मों में जिस प्रकार का फ्यूचर देखा है, ऐसा फ्यूचर इसमें बिल्कुल भी दिखाया नहीं गया। यहाँ पर ज़्यादातर सभी लोग ओएसिस नाम के एक वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा अपने रियल दुनिया से बाहर निकल कर वर्चुअल वर्ल्ड में अपना ज़्यादातर समय बिताने लगते हैं। इस वर्चुअल वर्ल्ड में अपने मन की सुप्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये लोग मन में आए वो चीज़ कर सकते हैं, अपना मनचाहा रूप ले सकते हैं, मनचाहा एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, यहाँ तक कि अपना जेंडर भी वो इस वर्चुअल वर्ल्ड में चेंज कर सकते हैं। इस ओएसिस के क्रिएटर जेम्स हैलिडे, जिनको एक प्रकार से भगवान की तरह माना जाता है, उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके द्वारा सभी को एक चैलेंज दिया जाता है। इस वर्चुअल वर्ल्ड में उनको 3 कीज खोजना है और एक ईस्टर एग को खोजना है, और जो ये चैलेंज पहले पूरा करेगा वो इस ओएसिस का मालिक बन जाएगा। उसको इसके ओएसिस का पूरा कंट्रोल उसके पास आ जाएगा और इसीलिए सभी इस चैलेंज को पूरा करने में लग जाते हैं। अब जब सब लोग ओएसिस सॉफ्टवेयर के इतने अधीन हो चुके होते हैं, तो अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा आधार ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बन चुका होता है। और जहाँ पर बात पैसे की होती है, सत्ता हासिल करने की होती है, और अगर उस सॉफ्टवेयर का पूरा कंट्रोल हासिल करने के लिए उसके क्रिएटर के द्वारा कोई चैलेंज दिया जाता है, तो ऑब्वियसली कुछ लोग सही रास्ते से उस चैलेंज को पूरा करने की भी कोशिश करते हैं और कुछ गलत रास्ते से भी उस चैलेंज को पूरा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यहाँ पर भी इनोवेटिव ऑनलाइन इंडस्ट्रीज नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO नॉलन सोरंटो उस चैलेंज को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उनके खुद के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इस गेम में प्लेयर बनाकर, अब इस फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है वेड वॉट्स, उसको यहाँ पर अनाथ दिखाया है। वो अपनी आंटी यानी मौसी के साथ में एक स्लम एरिया में रहता है। उसकी आंटी का एक एब्यूजिव बॉयफ्रेंड वेड को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और अपनी इस परेशानी वाले रियल वर्ल्ड से बचने के लिए वेड अपना ज़्यादातर समय इस वर्चुअल वर्ल्ड में बिताता है। इस वर्चुअल वर्ल्ड में उसके कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, एच, डाइटो, शो और उसका लव इंटरेस्ट आर्टिमिस्ट, और ये सभी मिलकर इस चैलेंज को पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिल्म के फर्स्ट एक्ट में इन सभी कैरेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है। इन सभी के बैकग्राउंड के बारे में हमें जानकारी दी जाती है, किस प्रकार से वेड, एच, शो, दायतो ये इस वर्चुअल वर्ल्ड में मिलते हैं, वहाँ पर उनकी फ्रेंडशिप कैसी है, इन सब बातों के बारे में फिल्म के फर्स्ट एक्ट में हमें बताया गया है। इसके साथ में ही इस चैलेंज को पूरा करते समय वेड किस प्रकार से आर्टिमिस से मिलता है और पहले ही नज़र में कैसे वेड के मन में आर्टिमिस्ट के लिए एक फीलिंग्स डेवलप होने लगती है, ये हमें फिल्म के फर्स्ट एक्ट में बताया गया है। फिल्म में कुछ बहुत ही फनी मोमेंट्स भी है, मतलब यहाँ पर 80s के पॉप कल्चर का जिस प्रकार से रेफरेंस दिया गया है, और हमारे जो फेवरेट एनिमे और कॉमिक बुक कैरेक्टर्स हैं, साथ में हमारे जो फेवरेट मूवीज़ हैं उनके जिस प्रकार से रेफरेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं, वो बात मुझे इस फिल्म की सबसे ज़्यादा पसंद आई। खास करके द शाइनिंग का जो जिस प्रकार से सेट यहाँ पर पूरा क्रिएट किया गया था, और द शाइनिंग के इस पूरे प्लॉट में उनको वो गेम प्ले करना था वहाँ पर, वो पार्ट इस फिल्म का मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। मतलब शाइनिंग मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब वो उस फिल्म के पूरे सेट को दोबारा से क्रिएट किया गया है, वो एलिवेटर से जब खून आता है वो वाला सीन, उसके साथ में ही वो नेकेड वुमेन वाला सीन, हालांकि उसको यहाँ पर कट कर दिया गया थोड़ा सा, उसके अलावा जो मेज़ वाला सीन है, मतलब अमेजिंग, एक बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए। हालांकि इसकी ओरिजिनल नॉवेल में जितने 80s के फिल्म्स के, मूवीज़ के, कॉमिक बुक कैरेक्टर्स के रेफरेंसेस दिए गए हैं, वो सभी के सभी रेफरेंसेस इस फिल्म में नहीं दिए हैं। जब एक फिल्म बनाई जाती है तो यहाँ पर
उनको बहुत सारे कॉपीराइट लेने पड़े इन सभी रेफरेंसेस को फिल्म में देने के लिए, और इसी वजह से बहुत सारे रेफरेंसेस को इस फिल्म में नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी जो चाइल्ड्स प्ले की चकी डॉल है, द शाइनिंग, और जिस प्रकार का 80s का म्यूजिक है, जो एनिमे के कैरेक्टर्स, अकीरा की बाइक, ये सभी बातें, उसके साथ ही द आयरन जायंट और डायनासोर्स, द मेका गॉडजिला, और मतलब बहुत बहुत सारी बातें हमें इस एक फिल्म में देखने को मिलती है। और सही मायने में ये फिल्म एक विजुअल ट्रीट है। खास करके फिल्म की शुरुआत में जो चेसिंग सीक्वेंसेस है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए। इतने बढ़िया तरीके से शूट किए गए चेसिंग सीक्वेंसेस मैंने आज तक किसी भी फिल्म में नहीं देखे हैं। इस फिल्म को देखने के बाद कौन कह सकता है कि एक 70 साल के व्यक्ति के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है। मतलब स्टीवन स्पीलबर्ग सर की टेक्निकल मास्टरी किस लेवल की है ना, ये हमें इस फिल्म को देखने के बाद पता चलता है। अगर हम बात करें फिल्म के इश्यूज के बारे में, तो इस फिल्म को देखते समय कुछ सवाल हमारे मन में आते हैं जिनका जवाब इस फिल्म में हमें मिलता नहीं है। बस यही एक इशू मुझे इस फिल्म के बारे में लगा, जैसे कि क्या ओएसिस जैसा ही एक और सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश इतने सालों में किसी के द्वारा नहीं की गई, या फिर क्या इसको हैक करने की कोशिश नहीं की गई। ऐसे ही कुछ सवाल इस फिल्म को देखते समय हमारे मन में आते हैं। और जिस प्रकार से कैरेक्टर्स को डेवलप यहाँ पर किया गया है, उनको उनके इमोशंस को डेवलप करने के लिए थोड़ा सा और समय यहाँ पर दिया जा सकता था, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी ये फिल्म हमें विजुअली एक बहुत ही अमेजिंग ऐसा एक्सपीरियंस देती है, और इसी वजह से इन इश्यूज को हम बहुत ही आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। रेडी प्लेयर वन आपके चेहरे पर एक स्माइल लेके आएगी, इसमें कोई शक नहीं। जब जब भी स्क्रीन पर आपको आपका कोई फेवरेट कॉमिक बुक या फिर एनिमे कैरेक्टर या फिर कोई आपकी फेवरेट मूवी या फिर म्यूजिक का रेफरेंस देखने को मिलेगा ना, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इन सभी रेफरेंसेस के अलावा फिल्म में फ्रेंडशिप भी है, रोमांस भी है, विजुअली स्टनिंग एक्शन सीक्वेंसेस भी है, कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है। मतलब इस फिल्म में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 8.5 out of 10 stars। दोस्तों, अगर आपने फिल्म देखी तो आप इसे 10 में से कितने स्टार्स देंगे, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।